आधा घंटा है, जिसको जो कुछ पूछना हो। मालाएं बनेगी या नहीं बनेगी? बने। जब मालाएं बनेगी तो नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? नंबर भी बनेंगे। तो नंबर दिखले कैसे होंगे? संसार में जो भी मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसकी दो विशेष सहयोगी शक्तियां गायी हुई हैं। एक विजयमाला से और एक रुद्रमाला से। एडवांस में 30-33 साल एडवांस के पूरे हुए और 30-33 साल विजयमाला के पूरे, वो क्या नाम, बेसिक नॉलेज के पूरे हुए। इन 60-70 सालों में रुद्रमाला की हेड और विजयमाला की हेड, चाहे जगदम्बा हो वर्ल्ड मदर और चाहे भारत माता शिव शक्ति अवतार हो जो अंत का नारा है, वो आज से अंत तक भुजा बन करके रह पाई है? नहीं रह पाई। कभी भुजा बन करके थी तो भुजाएं टूटी हुई होंगी या साबुत भुजाएं दिखाई जाएंगी? कैसी भुजाएं दिखाई जाएंगी भक्ति मार्ग में? टूटी हुई भुजाएं। ऐसे भी नहीं कि आज में भुजाएं थी नहीं, बेसिक नॉलेज में भी भुजाएं थी और एडवांस नॉलेज में भी भुजाएं, लेकिन टूटी हुई दिखाई जाती है। उड़ीसा में नहीं क्यों दिखाई दी? और तो उड़ी के वो उड़ी ऐसा जिनको कोई पकड़ न सके, इसलिए उड़ीसा में दिखाई जाती है। ये सब बेहद के अर्थ है। दीपा ने पहले इस पंकज का नए पैर के बारे में क्यों नहीं बताया? ये उड़िया जानने वाले या आपकी भाषा नहीं सुन पाए या तो ये माइक ठीक से नहीं आवाज दे रहा है। धीरे बोलिए, थोड़ा दूर रखिए। हाँ, दीपक ने पहले इस शंकर के नए पार्क के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे, ये अव्यक्त वाणी में बताया नहीं गया, मुरलियों में नहीं बताया गया? बाबा तो कहते देवताओं पे इशारा ही काफी होता है, जो देव आत्माएं है वो इशारे से ही समझ जाती है, जो मनुष्य है दो चार बार 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 उनको समझाने से उनकी समझ में आ जाता है, और जिनको बोलने से समझाने से इशारे से किसी तरह समझ में नहीं आता, उन्हें गधा कहेंगे या राक्षस कहेंगे? क्या कहेंगे है? आप अभी किस लिस्ट में? जनरली लिस्ट अच्छी में आ जाओ। चौरासी जन्मों में 84 माता पिता संगम युग में ये कैसे होता है?
यहाँ निश्चय और अनिश्चय टूटता रहता है या नहीं टूटता है? निश्चय टूटता है और अनिश्चय हो जाता है, माने मृत्यु हो जाती है। आज बाप के ऊपर निश्चय होता है, ये हमारा बाप है, निश्चय पत्र भी लिखते हैं, यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे, अभी एडवांस में कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं। आज निश्चय पत्र लिखते हैं और कल निश्चय की बातें करने लगते हैं। तो जिंदा है या मर गए हैं? क्या कहेंगे उनको? अगर अनिश्चय की बातें करने लगे हैं तो उनको जिंदा कहेंगे या मरा हुआ कहेंगे? मरा हुआ कहेंगे। फिर निश्चय में आते हैं या नहीं आते हैं? मरने के बाद फिर निश्चय में आते हैं ना? नया नहीं आते हैं? आते हैं। तो निश्चय में लाने वाला कोई होगा? जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं उनको निश्चय बुद्धि बनाने में भी कोई निमित्त बनता होगा। जो बनता है वो उनको जन्म देने वाला हुआ या नहीं हुआ है? ऐसे ही निश्चय और अनिश्चय ये जन्म का चक्र बार बार चलता रहता है। हंगामे में जो स्थूल शरीर से मरते हैं वो क्या महापापी की लिस्ट में जाते हैं क्या? स्थूल शरीर से मरते हैं? हाँ, जो स्थूल शरीर से संगम युग में शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं और आखिरी संगम युग तक शरीर छोड़ देते हैं, शरीर को कंचन काया नहीं बना पाते हैं, वो तो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं या 84 जन्म लेने वाली आत्माएं? कम जन्म लेने वाली है बाबा। जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या अपने धर्म में पक्की रहने वाली आत्माएं हैं? कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। तो कन्वर्ट होने वाले तो सारे महापापी की लिस्ट में आई गए। अष्टदेव में जो दो मुख्य मंत्र है, अभी तो बता दिया जितना क्लियर नहीं हो रहा है जितना जोगीराज के बारे में। अरे काशी नगरी बता दी, स्थान बता दिया, उनको नियंत्रण करने वाला बता दिया, और क्या बताया जाएगा? जो नई दुनिया का संगठन है, फाउंडेशन डालने वाला, वो भी बता दिया। अच्छा ये बताओ, कोई संगठन तैयार हुआ है? नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला कोई संगठन बना है या नहीं बना है? बना है। वो गुप्त है या सबकी नजरों में प्रत्यक्ष है? गुप्त है। तो उनका नियंत्रण करने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? अरे इतने मिनी मधुबन खुले हुए हैं, उन मिनी मधुनों को संचालन करने वाला कोई होता है या नहीं होता है? हर जगह बाबा ही संचालन करता है या मम्मा ही जाकर के संचालन कर रही है? अरे कुछ हाँ ना तो कहो। क्या नहीं समझ पा रहा? जितने भी मिनी मधुबन खुले हैं एडवांस नॉलेज में, उन एडवांस नॉलेज में खुले हुए मिनी मधुनों के कोई निमित्त संचालिकाएं हैं या नहीं है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो नए संगठन का इशारा बाप दादा ने दिया है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, उनका नियंत्रण करने वाले प्रवृत्ति मार्ग के होंगे
माने भाई बहन के रूप में होंगे या नहीं होंगे, तो मानते क्यों नहीं? उन्हीं के लिए कहा गया है योगीश्वर और योगिनी। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रखे और ब्रह्मा के संकल्प से गेट ही खुलेगा। हाँ? तो संकट कौन हुआ, संकट का पाठ क्या है उसमें, संकट कौन हुआ? अरे सारे प्रश्न पूर्व क्या बात है? ये प्रश्न पूछा गया संतरासी में मनमोहिनी दीदी से, अव्यक्त बाप दादा ने पूछा कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, बेसिक नॉलेज में भी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई और एडवांस नॉलेज में भी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। जो भी सृष्टि रची गई उसमें ब्रह्मा निमित्त हुआ, प्रजापिता निमित्त हुआ। ब्रह्मा को तो विष्णु बन जाते हैं, क्या बाकी शंकर कौन जो स्थापना का निमित्त नहीं बनता, पालना का निमित्त नहीं बनता, काय का निमित्त बनता है, है? विनाश का निमित्त बनता है। बल विनाश कराता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन प्रेरणा देने वाला साबित हो जाता है। प्रेरणा काय से दी जाती है? कर्मेंद्रियों से दी जाती है, ज्ञानेंद्रियों से दी जाती है या वाइब्रेशन से दी जाती है? है? वाइब्रेशन से दी जाती है। तो वाइब्रेशन से सृष्टि को परिवर्तित करने वाली कोई आत्मा तो संसार में निमित्त होगी या नहीं होगी? जब वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदाइश किए जा सकते हैं तो विनाशकारियों से विनाश नहीं कराया जा सकता। जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, इतने साल से एटम बम रखे हुए हैं, उनका प्रयोग करने में डरते हैं, क्योंकि जानते हैं हम भी इसी दुनिया में बैठे हुए, तो हिम्मत नहीं कर पाते। उनको प्रेरणा देने वाला कोई तो होगा, योगी होगा या भोगी होगा? योगी होगा, तो योगी दिखाई नहीं पड़ता है? आपको तीसरा नेत्र नहीं मिला अभी तक है? मिला है, मिला है। सरकारी भी ये पूछते है, डाउट है इसलिए, है डाउट है इसलिए, डाउट है ना अभी, इसका मतलब बाप के बच्चे अभी तक नहीं बने। झूठा निश्चय पत्र लेके आए क्या है? सच्चा लेके आए तो डाउट कैसे रह गया? कोई बच्चा घर में पैदा हो और बड़ा बच्चा हो जाए और वो ये कहे हमें डाउट है ये बाप है हमारा है कि नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? औरत संतान है या सच्ची संतान है? हाँ? अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आत्मा चिंतन करती है, दुख का चिंतन करती है। हाँ जी, हार्ट के ऊपर, हार्ट जो है वो अनुभव करता है। हार्ट माने मन, कोई दूसरी चीज नहीं है। हार्ट जो है वो अनुभव करता है सुख का भी और हार्ट अनुभव करता है दुख का भी।
बुद्धि नियंत्रण करती है और हार्ट अनुभव करता है सुख दुख का। मन के द्वारा ही सुख भोगा जाता है और मन के द्वारा ही सुख भोगा जाता है। ज्यादा खुशी बढ़ जाती है तो कभी कभी ज्यादा खुशी में भी हार्ट फेल हो जाता है और ज्यादा दुख बढ़ जाता है तो दुख में भी हार्ट फेल हो जाता है। जैसे कोई गरीब आदमी हो, बहुत गरीब है, सड़क पे भीख मांग रहा है, पेट नहीं भर रहा है, कोई देता भी नहीं उसे, और उसने खुदान खास्ता पहले भिखमंगे जीवन में कोई लॉटरी की टिकट डाल ली और उसका अरब रुपया निकल आया और एक साथ उसको नहीं बताया जाता है क्या अरब का इनाम उसे मिला है, ऐसे व्यक्ति को एक साथ क्यों नहीं बताया जाता? हमारी खुशी के हाथ फेल हो जाएगा। तो मन ही सुख को वहन करता है और मन ही दुख को वहन करता है। सुख दुख से परे की स्टेज में हमको बाबा ले जाता है तो हमारा हार्ट कितना मजबूत हो जाएगा, जो हमें सुख का भी असर न हो और दुख का भी असर न हो। हार्ट मजबूत होगा या कमजोर होगा? मजबूत हो जाएगा। सुख दुख के समय कृपा सपना होगा। इन लोगों से पढ़ाई पढ़ो ये बताएंगे। हाँ त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष तो हो जाएगी, लेकिन जो भी त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होगी वो पहले नजदीकियों के सामने होगी या दूर वालों के सामने होगी? त्रिमूर्ति शिव को पहचानने वाले नंबरवार होंगे या सारे ही एक साथ पहचानेंगे? नंबरवार होंगे। थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े होंगे। तो जो थोड़े पहचानेंगे उनके लिए त्रिमूर्ति शिव समझ में आ जाएगा, उनके लिए नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। क्या 2008 में भी जरूर होगा? जितना ज्यादा जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। यज्ञ के आदि में जितनी स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, विनाश का भी फाउंडेशन पड़ा या नहीं पड़ा? है कैसे कैसे कहेंगे कि विनाश का फाउंडेशन पड़ा? प्रूफ भी है, पक्का प्रूफ है। नहीं आ रहा है ध्यान? यज्ञ के आज में एटम बम बने कि नहीं बने? 20-20 मेगावाट के छोटी छोटी बम्बियां बन गई या नहीं बनी? हिरोशिमा नागासाकी पर विस्फोट भी हो गया। तो जैसी छोटी स्थापना हुई वैसा छोटे रूप में विनाश भी हुआ, विनाश का कार्य भी संपन्न हुआ। ऐसे ही 2036 में 9,16,108 की पूरी स्थापना हो जाएगी तो 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश भी संपन्न हो जाएगा।
और ब्रह्मा के पूरे 84 जन्म है, एक जन्म उनका त्रेता में बढ़ जाएगा और जो आत्मा है दूसरे वंश है उनके त्रेता में एक जन्म में ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की आत्माएं भी उनके बढ़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि आज संगम युग में उनको जन्म नहीं कर गिना जाता है, उनका अंतिम जन्म था। राम जैसी आत्माओं का यहाँ एक जन्म बढ़ जाता है, इसलिए त्रेता में उनका एक जन्म कम हो जाएगा। राम जैसी आत्माएं 12 जन्म लेंगी और सतयुग में उनके कितने जन्म हो जाते हैं? हाँ क्यों? 9 जन्म हो जाते हैं। एक संगम युगी स्वर्णिम संगम युग कहाँ चला जाएगा? वो भी तो गिना जाएगा। तो राम जैसी सूर्यवंशी आत्माएं जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देती हैं, उनके सतयुग में 9 जन्म गाए हुए और त्रेता में 12 जन्म। और जो जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं उनके सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 13 जन्म, एक जन्म बढ़ जाएगा। और ये बात मुरली में भी बोली गई है, लेकिन वो मुरली अभी तक मिली नहीं है। लेकिन जो पुरानी ज्ञानामृत की किताब है उसमें सीढ़ी के चित्र के क्लैरिफिकेशन में 13 जन्म लिखे हुए हैं। बिना आधार के तो नहीं लिख दिए होंगे। और मेरी दूसरे तो ज्ञान में नहीं आ सकते, मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो ज्ञान में आ जाएंगे? आप रोज क्लास नहीं सुनते हैं इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, जो भी एडवांस में चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। नहीं आ सकते आप ऐसा क्यों समझ बैठे? आपको तो संकल्पों से दृढ़ता का योगदान देना चाहिए। आप ऐसा संकल्प क्यों चला रहे हैं कि वो ज्ञान में नहीं आ सकते? हैं? शुभ संकल्प करेंगे या अशुभ संकल्प करेंगे? अशुभ संकल्प रखिए। आएंगे। हाँ, स्वर्ग को जाने के लिए हिंदी चाहिए। क्या चाहिए? हिंदी चाहिए। हिंदी? वो तो बात सही है, अगर इसी जीवन में स्वर्ग में जाना है तो जो माँ बाप की भाषा है वो बच्चों की भी भाषा होना चाहिए। जो माँ बाप की भाषा जो बच्चे नहीं जानते हैं वो माँ बाप का भरसा कैसे लेंगे? बाबा का गले का हार बनने वाली बात अलग, और बाबा का इसी जन्म में वर्षा पाना इसी शरीर से वो बात अलग। क्योंकि 16108 की जो लिस्ट है वो माला की लिस्ट है। जो माला में आने वाली आत्माएं हैं वो सब गोप गोपियों की लिस्ट है, और जो भी गोप गोपियों के रूप में गुप्त पुरुषार्थ करने वाले हैं, गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं, चाहे बहन का संबंध जोड़ते हैं, बेटी का संबंध जोड़ते हैं, पति का संबंध जोड़ते हैं, वो सारे ही 16,000 की लिस्ट वाले गले मिलने वाले तो होंगे ही, नंबरवार होंगे। लेकिन उनमें कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो दूसरे धर्म के छिलके वाली हैं। उन आत्माओं को स्थापना का कार्य पूरा होने के बाद जब संपूर्ण विनाश होगा तो वापस भी जाना पड़ेगा।
कुछ आत्माएं रहेंगी, कुछ वापस जाएंगी। बाबा पुरुष जिस वंश का होता है पुरुष जिस वंश का होता है पुरुष हाँ जी स्त्री को उस वंश का मान्यता मिलता है। हाँ जी हाँ जी जब रुद्रमाला का जब स्त्री जो ला चंद्रवती का पुरुष के साथ जब जुगल बनेगा तो उसको जिस वंश का मान्यता मिलेगा। रुद्रमाला का माता जो स्त्री चोले धारण करने वाला है वो हो सकता है कि उसके हार्मोन्स चेंज हो जाए और वो पुरुष चोला धारण कर ले। तो सूर्यवंशी कहा जाएगा या चंद्रवंशी कहा जाएगा? और विजय माला से उसका जो साथी निकलेगा बल पुरुष चोले का हो लेकिन स्वभाव संस्कार के आधार पर आधीनता के संस्कार होने के कारण स्त्री चोला धारण कर ले तो चंद्रवंश का कहा जाएगा या सूर्यवंशी कहा जाएगा? हल हो गया। अब ऑफिसर के लिए पूछे तुम आना जाना करते हो ना तो क्या वो एक ही जगह ये थोड़े ही कहा एक एक जगह पे तो पालना करने वाले होंगे और पालना लेने वालों का ग्रुप होगा। पालना लेने वाले बहुत होंगे या थोड़े होंगे? नहीं पालना करने वाले थोड़े होते हैं या पालना लेने वाले थोड़े होते हैं? पालना लेने वाले बहुत होते हैं और पालना देने वाले माँ बाप ही होते हैं। तो पालना लेने वालों का ग्रुप वो अष्टदेव में आ सकता है या नहीं है? आ सकता है। पालना जो लेने वाले होंगे वो प्रजा कही जाएगी प्रत्यक्ष रूपेण जायते इति प्रजा। बच्चे कहे जाएंगे या पालना देने वाले कहे जाएंगे? एक के सिवाय जो एक है वो एक पृथ्वी के सिवाय कोई जन्म नहीं दे सकता। एक ही ग्रह ऐसा है जहाँ जीवन है पृथ्वी। पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह ऐसा नहीं है जहाँ जीवन हो। पृथ्वी में धारणा है धारणा शक्ति है उसको धरणी कहा जाता है। तो रुद्रमाला के जो 108 बीज हैं, उनमें कोई पृथ्वी के भी तो बीज होगा कि नहीं होगा? पृथ्वी का भी बीज है और सूर्य तो सूर्य है तो वहां जीवन है। आज की दुनिया में देखा जाए तो संस्कृति जगह जगह तैयार हो रही है। कौन सा स्थिति है? संस्कृति। संस्कृति क्यों कहा? मूल स्थिति क्यों नहीं कहा है? नहीं मूल स्थिति अभी ग्रुप की तैयारी नहीं हो रही है। अभी कौन से ग्रुप की तैयारी हो रही है? सूर्यवंश प्रत्यक्ष होने वाला है। एक पावरफुल ग्रुप तैयार हो जाएगा तो उसके पीछे पीछे दूसरे ग्रुप भी तैयार होंगे। तो जो ग्रुप तैयार होगा उनका कोई मुखिया होगा कि नहीं होगा? सूर्यवंश चंद्रवंशी अरे वो प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा या निवृत्ति मार्ग वाला होगा? प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा। तो जो भी प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा उससे पालना लेने वाले ढेर होंगे या थोड़े होंगे? ढेर होंगे। अष्टदेवों के लिए कहा गया कि तुम आना जाना करते हो
जो परमानेंट पालना लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा ही कहा गया। और और क्या सर, ज्यादा प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत सर्विसेबल होते हैं। जो बच्चे बाप की दुकान में बहुत सेवा करते हैं, तो उन बच्चों को बाप परमात्मा पर रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। सबसे ज्यादा प्यार जो बाप के काम में सहयोगी बनते हैं उनको देता है। ओंडी छल्ले होते हैं उनको उतना प्यार थोड़ी मिल सकता है। राम वाली आत्मा को प्रत्यक्ष होने से पहले अपने पद का पता पड़ता है या नहीं पड़ता है? कृष्ण वाली आत्मा को प्रत्यक्ष होने से पहले अपने पद का पता पड़ता है या नहीं पड़ता है? राधा वाली आत्मा को प्रत्यक्ष होने से पहले अपने पद का साक्षात्कार होता है या नहीं होता है? तो हो जाएगा आपको उसमें, उनको लगे उसकी बात कर रहे हैं आप। जो भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं उनको अपना पहले से पहले उनको अपना पता चलेगा, दूसरों को बाद में पता चलेगा। बाप नहीं बतावेगा बोर्ड पर लिख करके, कागज पर लिख करके तुम्हारा ये पद है। अपनी चलन से, अपने संकल्पों से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी दृष्टि वृत्ति से स्वयं स्वयं के पद का साक्षात्कार होगा। दूसरे भी जो नजदीकी होंगे वो भी मानेंगे कि इनका जो पुरुषार्थ है वो हमारा नहीं है। और ब्राह्मण तो फरिश्ता है, फरिश्ता तो देवता है। बोलने के लिए तुम बच्चे माता का बुजुर्ग के पेट में प्रवेश करते हैं, बुजुर्ग के पेट ये बुद्धि है, ये पेट है। माता का बुजुर्ग के पेट में तुम बच्चे प्रवेश करना जरूरी है। ये लोग ही नहीं समझ रहे, हम क्या समझेंगे आपके पास। अच्छा टाइम हो गया। बस 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 हो जाएगा लेट। कोई कुछ पूछना करना हो तो पूछो जल्दी से। हाँ आधा घंटे का टाइम मिल रहा है। हाँ जी भैया, प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना और कर्म में धारणा में सबको है ना। ये कौन सी बोलने में कहा प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है? कोई बच्चों के मन में वही ऐसा है, कोई बच्चों के मन में ऐसा है? कोई बच्चों के मन में ऐसा नहीं है। तो आया था वहाँ नहीं, मुरली में तो बोला है कि ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है और बाप को डायरेक्शन से फॉलो करना है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं उन डायरेक्शन को मानना है, और ब्रह्मा ने जो कर्म करके दिखाए वो कर्म करके दिखाना है। हाँ जी, टीवी में नामना बोलते हैं एक सत्य नारायण ही सत्य है, लक्ष्मी भी सत्य में ही है। सत्य भामा तो है ना? सत्य भामा तो पटरानी थी या महारानी थी? पटरानी तो पट में गिर गई, तो सत्य कहाँ हुई? अगर पट में गिर जाए तो इंप्योरिटी कहीं न कहीं से माया ने उसको पकड़ा ना, तभी तो पट में गिरी। आठ पटरानियां हैं, गिरते कला के आठ धर्मों में कनेक्ट, उनसे कनेक्टेड है, तो उनका संग का रंग लगता है।
तो गिरती कला में जाती है, महारानी सिर्फ एक है, लेकिन उसको भी सत्य नहीं कहेंगे, वो भी सत्य बाप का बच्चा नहीं बनती, बच्ची बनती है। बच्चा बनती है कि बच्ची बनती है? बच्ची बनती है। जो बच्चे बनते हैं वो राजभाग लेते हैं, राजा बनते हैं। बच्चियां राजभाग नहीं लेती, लेकिन रानी या महारानी बन सकती है। मना जो सच्चाई से कार्य करने वाले हैं उनके अंडर में रहना पड़े। स्वामी जी सच्चिदानंद गणपति है ना, गणपति स्वामी जी तो बहुत लोग मानते हैं, ये लिए आपको बोलिए। आपकी बुद्धि भी उनको कुछ न कुछ मानती है, पूछते कैसे? इतने गुरु सिपाही है उनके बारे में नहीं पूछा आपने, गणपति सच्चिदानंद के बारे में ही पूछा और तो किसी के बारे में नहीं पूछा। सारे सब लोग उसको मानते हैं, सब लोग ने सारी दुनिया नहीं मानती, सारी दुनिया मानना, लेकिन आपकी बुद्धि कुछ न कुछ चल रहा है उसके बारे में। नहीं कोई किसी भी नहीं मानना। देखो बाबा की क्लास में नाम तो आया ना, तो कुछ तो आपकी बुद्धि में चल रहा है ना। सब लोग मानते हैं, प्रभावित तो है कि देखो सब मानते हैं, सब लोग नहीं, थोड़ा थोड़ा लोग मानते हैं। हाँ बोलो। एक सीढ़ी बोला कि राम को लास्ट जन्म में सूर्य को जन्म देने वाला भयंकर सत्य का पाठ हो जाता है। राम को लास्ट जन्म में राम को लास्ट जन्म में जन्म देने वाला हिरण्यकश्यपु का पाठ हो जाता है। लास्ट जन्म में हाँ, जो सुखित जन्म देता है, जो उसका बाप है। हाँ हिरण्यकश्यप का पाठ बजाता है राम को जन्म देने वाला। राम को जन्म देने वाला कौन है? अरे राम जो है, राम को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कौन है? अरे शास्त्रों में नाम क्या दिया है राम को जन्म देने वाले का? दशरथ। झाड़ के चित्र में दशरथ दिखाए गए हैं? दशरथ दिखाए गए कि नहीं? दस धर्मों के जो भी मुखिया हैं वो झाड़ की स्थिति में दिखाए गए हैं ना, वो अपन को ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप हुए ना। और पांडव सेना के ईमेल द्वारा कुछ मैटर आता है वो तो ठीक हम सेवा में यूज कर सकते हैं ना, करेक्ट करके आता है। हाँ जी इधर तो अभी फिलहाल तो करेक्ट करके आता ही है। आगे का पतन उक्त जगदम्बा ही संगमेघ के अंत में महालक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। सत्ययुग और त्रेतायुग में विभिन्न जन्मों में देवी देवताओं के रूप में जन्म लेती है, और द्वापर कलयुग में माँ महाकाली के रूप में उनकी पूजा होती है। द्वापर में थोड़ी पूजा होती है महाकाली की, तो कलयुग में आकर के महाकाली का पूजन होता है। और इधर लिखा है किंतु संगमयुग में एक और आत्मा भी पहले 1936-37 में तदा फिर पुनर्जन्म लेकर निराकार शिव के साकार माध्यम को कुछ समय के लिए पवित्रता का सहयोग देती है, लेकिन जल्दी ही अन्य विरोधी आत्माएं किंतु संगमयुग में एक और आत्मा भी पहले 1936-37 में तथा फिर पुनर्जन्म लेकर निराकार शिव के साकार माध्यम को कुछ समय के लिए पवित्रता का सहयोग देती है। 36 में नहीं, पहले 36 में और फिर पुनर्जन्म लेने के बाद सन नहीं इधर नहीं लिखा हुआ। 76 जल्दी ही अन्य विरोधी विधर्म में आत्माओं के प्रभाव में आकर शंकर के पाठधारी को त्याग देती है और उनकी ग्लानि करवाने के निमित्त बनती है। ठीक है वो आत्मा भंगिन थी, फिर भंगी लोग उसके पीछे पड़े और वो उसको जबरदस्ती ले गए उठा के।
ऐसे ही एडवांस में कोई महीने दो महीने के लिए बेटे सहयोगी बनती है पहले पहले उनको काली के रूप में दुर्गा होती है। हाँ जी सोल है वही तो सत्य है। सत्य माने अविनाशी, जो शरीर है वो अविनाशी नहीं है। शरीर का धाम ये दुनिया, इसका तो विनाश होता रहता है, लेकिन आत्मा ये अविनाशी है और उसका धाम भी अविनाशी है। तो जो अविनाशी है वो ही सत्य है, उसका धाम भी सत्य है। आत्मा का धाम सत्य धाम, ये दुनिया है असत्य धाम। पहले सत्य धाम बाप बनाता है, फिर बाद में रावण इसको असत्य बना देता है। ये बदलती है, वो धाम नहीं बदलता। ऐसे में 510 सीढ़ी है अभी सुना है, उसमें वो सत्य धाम और कहाँ है वो सत्य धाम कहाँ है मैंने पूछा। हाँ। उसमें उत्तर नहीं दिया। हाँ। सत्य खंड में सत्य धाम है। हाँ। वो कहाँ है? सत्य धाम वही होगा जहाँ सबकी आत्म की स्थिति होगी संगठित रूप में। जहाँ सबकी आत्मिक स्थिति संगठित रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देगी, कोई के संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। हाल ही क्या हुआ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहेंगे, वो ही सत्यधाम। अब बाबा का शरीर भी सत्यधाम हो सकते हैं, ये अपने अपने देखने की बात है, विश्वास की बात है। जो श्रीमत है बाबा फॉलो नहीं किया है, शिव बाबा का श्रीमत ब्रह्म बाबा फॉलो नहीं किया। शिव बाबा का श्रीमत ब्रह्म बाबा फॉलो नहीं किया। कोई भी श्रीमत होती है उसको समझ करके फॉलो किया जाता है या बिना समझे फॉलो किया जा सकता है। धारणा भी समझने के बाद सही धारणा होगी या बिना समझे सही धारणा हो जाएगी। समझने के बाद सही धारणा हो सकती है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी ब्रह्मा के द्वारा जो कर्म हुए वो किए किसने, वो कर्म किसने किए? ब्रह्मा ने जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया 100% सहन किया, वो किसने सहन किया? उस तन के द्वारा सहन कराने वाली शक्ति कौन? शिव। अगर ब्रह्मा में ही ये सहन शक्ति का पार्ट भरा होता, देवताओं का गुणराज का शक्ति का पार्ट भरा होता तो 63 जन्मों में ही वो पार्ट बजाया देता, नहीं बजाया ना। आप समझाने से भाई समझ गए। हाँ सर, हम समझाएंगे समझाएंगे। बाबा बाबा तो पहले से ही समझा रहे हैं, आप अब समझा रहे हैं। अब इसने पता नहीं किसको गुरु बना लिया। आप जब मुझसे जब मेरे चाहते हैं ने? बाबा के मुख से तो पहले ही ये बात आ चुकी है। भाई साहब का दर्द सुना नहीं होगा। हाँ, कोई और की बातें ध्यान से सुनते हैं इसलिए रह जाती है। हाँ। बोला कि सबसे पहले जो माँ शत्रु के जो राधा के बच्चे को जन्म देने वाले माँ पिता होंगे वो सबसे पहले धरती पर आएंगे। धरती पर आएंगे? हाँ, मतलब स्वर्ग का जो पहला माता पिता होगा वो धरती पर थे नहीं पहले से? मतलब कंचन गाय जब सबसे पहले कंचन गाय बनने के बाद सबसे पहले कंचन गाय बनते हैं उसके बाद वो आते हैं क्योंकि उसको ऊपर जाना पड़ता है एक सेकंड भी में जाए हो जाता है। तो उस समय ये तो बोलता है कि मैं सभी को एक साथ लेके जाता हूँ, उस समय सभी आत्मा ऊपर एक साथ जाती नहीं है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो बुद्धि योग से जाती है,
शरीर से नहीं जाती, जो बुद्धियों से जाने वाली आत्माएं हैं वो सजाए नहीं खाती क्या, उनके शरीर जो है कोई प्रकार की सजा नहीं खाएंगे। जो बीज रूप आत्माएं जब गई परमधाम में निराकारी स्टेज में, तो उन बीजों में सारी दुनिया समाई हुई तब तक, और जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं उनको सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े जब तक सबके शरीर न नष्ट हो जाए। सूक्ष्म वतन नहीं होता माने सूक्ष्म स्टेज तो होती है, जो भूत प्रेत शरीर छोड़ देते हैं अभी अकाले मौत में, तो उनका कोई खास स्थान है, वो सूक्ष्म स्टेज ही स्थान है। भटकने की बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतन में वो आत्माएं ठहरेंगी तब तक जब तक पूरी दुनिया का विनाश न हो, सारा ही विनाश होने के बाद फिर सबको एक साथ वापस जाना है। और फिर एक भाई उसको बताने में लगे, ये जो सत्युग में जो भाई बहन होते हैं ना, वही बाद में युगल बन जाते हैं, जोड़ी बन जाते हैं, पैदा होते हैं तब युगल नहीं होते। वाह भाई जब पैदा होते हैं तब युगल जोड़ी पैदा होते हैं कि नहीं पैदा होते हैं, तो बाद में जोड़ी बनने का क्या सवाल। भाई बहन आज से ही अंत में भाई बहन नहीं रहते, जुगलिया बच्चे पैदा नहीं होते, तो वही जुगलिया बच्चे क्यों कहे जाते हैं। लौकिक का मतलब जिनकी बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, उनकी बुद्धि कचरे को, अरे रे 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 भाई बहन जो है पति पत्नी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बुद्धि में बचपन से ही निर्विकारी बुद्धि है और मृत्यु पर्यंत निर्विकारी बुद्धि रहेगी। आज की दुनिया के जो पति पत्नी का भाव है वो उनकी बुद्धि में होता ही नहीं, ये तो जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि दिखाई पड़ती। क्या शब्द से जो जो नाम शुरू होते हैं वो एक ही राशि के माने जाते हैं क्या, ये शब्दों अक्षरों का हिसाब माना जाता है राशि में, तो का नाम से या रा नाम से, जैसे रावण और राम, राशि एक ही हो गई है ना, ऐसे ही कृष्ण और कंस और क्राइस्ट राशि एक ही है, माना उनके स्वभाव संस्कारों में कुछ न कुछ साम्यता है उनके जीवन कहानी में, इसलिए वो बात दिखाई जाती है, टैली कर सकते हैं बहुत सी बातों। कहते हैं कृष्ण का जन्म किससे हुआ, क्राइस्ट का जन्म किससे हुआ, दिखाते हैं कन्या से हुआ, लेकिन कन्या से जन्म होता है क्या, कोई ना कोई से संपर्क हुआ है तभी जन्म हुआ है। एक जगह जन्म लिया और एक जगह एक जगह जन्म लेता है दूसरी जगह पालना लेता है, मान्यताएं करने वाले तो अनेक प्रकार के। जब पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी तो जो समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी अभी खारा है, तो जो सत्युग होगा उसमें पानी चेंज होगा या नहीं होगा। सागर अभी खारा है, सागर जो है वो साकार में है ना, वो अभी खारा है या मीठा भी है, अभी मीठा भी है और खारा भी है, दुनिया के संग के रंग में खारा हो जाता है और मीठा भी है, लेकिन सत्युग जब आवेगा तो सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ जम जाएगी,
और सारी दुनिया उल्टम पल्थम हो जाएगी। क्या जो बड़े बड़े भूकंप आ रहेंगे तो भूकंपों में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो सारा खारा पानी कहाँ चला जाएगा? खारा पानी सारा ही अंदर जाएगा और जो बर्फ है वो ऊपर ऊपर दबी हुई है। एटम बम फटेंगे तो उसकी गर्मी से सागर का पानी भाप बन के उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। तो लगातार मूसलाधार बरसात कई दिनों तक होनी है। उस मूसलाधार बरसात में दुनिया का वायुमंडल ठंडा हो जाएगा, इतना तापमान गिर जाएगा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो बर्फ खारी होती है या मीठी होती है? है? वो ही बर्फ है, धीरे धीरे पिघलेगी। तो सागर मीठा होगा तो सारे ही मीठे ही मीठे होंगे। भारत देश में जो भी जन्म लेंगे, क्योंकि दूसरा तो देश होगा ही नहीं। हाँ जी, ये गंगा जो है, गंगा भगवान बोले कि उत्तर भारत में गंगा घाट करती है और दक्षिण भारत में जो वसुदेव हैं वो अपना पार्ट निभाएंगे। उत्तर भारत में गंगा का मुख्य पार्ट है और दक्षिण भारत में असुदेव। तो मेन जो स्थूल गंगा है वो तो सिर्फ तीन ही राज्य से होकर गुजर जाती है और सागर में जाके मिल जाती है। तो बाकी जो उत्तर भारत है, असदेव सारे ही थोड़े हैं दक्षिण भारत से। मेन पार्ट हाँ बजाते हैं। हाँ ठीक है, दक्षिण भारत में विशेष मान्यता है अष्टदेवों की, मूर्तियां भी हैं, मंदिर भी हैं, लेकिन उत्तर भारत में इतनी मान्यता नहीं है। सिर्फ इतनी मान्यता है कि जब कोई अनुष्ठान करते हैं, कथावार्ता करते हैं, तो अष्ट ग्रह बनाते हैं, नवग्रह, और उनका पूजन करते हैं, बस उनको स्थान देते हैं, बस। बाकी मंदिर वगैरह उत्तर भारत में नहीं बने हुए हैं, ये यादगार दक्षिण भारत में। गंगा देवी के मंदिर भी उत्तर भारत में मिलते हैं, मूर्ति भी उत्तर भारत में विशेष मिलती है। मेरे तीन ही राज्यों से गुजर के और फिर सागर में मिल जाती है। हाँ तो जब तक उत्तर भारत में गंगा न निकले तब तक उद्धार हो जाएगा। जो भी है दूसरे दूसरे धर्म वाले, वो दूसरे दूसरे धर्म वाले सपोर्ट करेंगे देवता सनातन धर्म को, सनातन धर्म वालों को, तब उद्धार होगा, या सन्यासी निकलेंगे तब उद्धार होगा। देवी देवता सनातन धर्म का उद्धार कब होगा? जिन्होंने जन्म जन्मांतर प्योरिटी धारण की है, ऐसे सन्यासी जब सहयोगी बनकर के निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या तो सन्यास धर्म में पावर हुई ना? उनकी मुखिया कौन है? गंगा। गंगा के किनारे सारे सन्यासी जाके चौकड़ी मार के बैठते हैं। तो गंगा निकलेगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, क्योंकि वो सन्यासी भी इस बात को मान जाएंगे कि सच्ची प्योरिटी साथ में रहने वालों की है, दूरवाद घुसवाद की सच्ची प्योरिटी नहीं है। तो गंगा भी फिर ऐसा को साथ करेगी। आती है संगम पर है, सिटी में और है कि एक्यूरेट संगम किसको कहा जाए? जब तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाए क्या संगम होंगे उसको संगम नहीं माना जाएगा? जो 100 साल का संगम है, 100 साल का संगम संगम है, लेकिन तीनों मूर्तियां इकट्ठी नहीं होती है। तीनों मूर्तियों की बात होती है लेकिन तीनों मूर्तियां प्रैक्टिकल में इकट्ठी नहीं होती हैं। और यहाँ
तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, है तब शिव की प्रत्यक्षता हो जाती है, बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। अब कब हो जाएगा तो देखो। आगे पीछे होगा, ये हर एक के लिए नहीं कहा जा सकता कि शंकर की मूर्ति कब से प्रत्यक्ष हुई और किसके सामने प्रत्यक्ष हुई और कितने परसेंटेज में प्रत्यक्ष हुई। माना तो जाएगा जब वो प्रत्यक्ष होगा, पहली बार जब प्रत्यक्ष होगा तभी माना जाएगा ना। हाँ तो पहली बार जब प्रत्यक्ष हुआ तो जिनके सामने प्रत्यक्ष हुआ वो अधूरा प्रत्यक्ष हुआ या संपूर्ण प्रत्यक्ष हुआ। कैसा प्रत्यक्ष हुआ? अभी प्रत्यक्ष हुआ तो वो तो प्रत्यक्ष हुआ, हुआ न हुआ बराबर हो गया। और बराबर इसीलिए हो गया कि जिनके सामने प्रत्यक्ष हुआ अभी विरोधी हो गए बात। पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम घड़ी, पुरुषोत्तम दिन और पुरुषोत्तम समय एक ही सेकंड का होता है जब वो तीनों मूर्तियाँ इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो जाए है? तो वो 2008 में होना थी। अब ये नहीं कहा जा सकता कब होगा। सबका इंतजार करना पड़ेगा। ओके करो। बोलो बोलो जल्दी बोलो, एक मिनट के अंदर बोलो नहीं तो फिर करा। मनसा वाचा करना तो जो भी खराब कर्म होता है अभी लौकिक दुनिया में, लेकिन बाप की पहचान एक्यूरेट है कि हाँ ये हमको बाप की पहचान मिली हुई है मालूम है, लेकिन फिर भी उससे विपरीत कर्म हो जाता है। बाप की पहचान मिली हुई नहीं है, बाप क्या है ये बुद्धि में स्पष्ट बैठा ही नहीं है। जैसे दुनिया के जो राजाए होते हैं उन बड़े बड़े राजाओं के सामने लोग जाने में थर थर कांपते हैं, और यहाँ तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, गुप्त वेद में आया हुआ है तो पूरी पहचान ही नहीं है। असली पहचान हो जाए तो तौबा तौबा करें। चलो।